यस डन। फिल्म वाले सवाल पूछना है, किसको और कुछ पूछना है तो मुझे बता दे। रोल है, सॉरी सॉरी। नवाज, सबसे पहले तो जब आपको ये रोल के बारे में बताया गया तो सब लोगों ने देखा है उनको, बाला साहब जी को, तो कितने नर्वस या एक्साइटेड हुए आप और क्या रिसर्च करनी पड़ी स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस थे, स्पीचेस थी, और डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या व्यू मिला? ऑफकोर्स नर्वसनेस इसीलिए हुई क्योंकि लोगों ने देखा हुआ है उनको बहुत रिसेंटली और उनके हज़ारों लाखों इंटरनेट पे उनका काम, उनका वो है, इंटरव्यूज़ हैं, स्पीचेस हैं उनकी, तो इसलिए नर्वसनेस भी थी कि कहाँ कैसे तैयारी की जाएगी। वो हेल्प भी किया उस चीज़ ने, और एट द सेम टाइम हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं राव साहब और हमारे डायरेक्टर हैं अभिजीत पान से, सब ने मिल के हमने कोशिश, एक बहुत अच्छी कोशिश की है। सर, लुक को लेके काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो सर उस प्रोसेस के बारे में बताइए कि लुक मेरे नोज लगती थी प्रोस्थेटिक की, क्योंकि बाला साहब की लंबी नाक थी, है ना, तो उस पर बहुत अच्छे से प्रतिशील ने किया, बहुत अच्छा काम किया। अमृता मैम, मीना ताई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा? मीना ताई जी के बारे में इंटरनेट पे तो वाकई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत बाला साहिब जी के इंटरव्यूज़ छाटने के बाद मुझे एक उनके सिस्टर का मराठी में इंटरव्यू मिला, जहाँ पे उन्होंने बहुत ब्रीफली संक्षिप्त में उन्होंने मीना ताई का वर्णन किया था, और वहाँ पे पता चला कि मीना ताई जी कैसी थी, बहुत ही कोमल, प्यारी, बहुत जैसे मराठी में पाउंड शील बोलते हैं, जो एक मेहमान नवाजी होती है, वो उनमें थी, जिसके लिए वो आज भी इंडस्ट्री में जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं जो मातोश्री गए हैं, जब उनको पता चलता है कि मैं मीना ताई का रोल कर रही हूँ, वो बोलते हैं कि उस लेडी ने हमको अपने हाथों से परोसा है। वो एक अलग, उनकी एक अलग पर्सनालिटी ने आई थिंक एक अलग इज़्ज़त कमाई यू नो उनके लिए। सो मेरा रिसर्च जो था, थोड़ा सा मराठी देखा मैंने, मराठी फिल्में देखी, वहाँ के रेट्रो एक्ट्रेसेस उस ज़माने की फिल्में देखी, ब्लैक एंड वाइट कैसी रहती थी, उनका बॉडी लैंग्वेज और एक अलग मैच्योरिटी वो अपनाने की कोशिश की। फैमिली मेंबर्स किसी से बात किए, किस तरह से थी? नहीं, मेरी अभी मतलब मेरी पहली बार उद्धव जी से और रश्मि जी से ट्रेलर लॉन्च पे ही मुलाकात हुई थी। एक्चुअली जितना भी मुझे मीना ताई जी का रेफरेंस मिला है वो हमारे निर्देशक अभिजीत पानसे सर और संजय राउत सर से ही मिला है। एंड एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मतलब मेरे एक अंकल थे जो इत्तेफाक से मातोश्री पहुँचे थे, तो उन्होंने बताया कि माहौल ऐसा था कि कुछ तो मतलब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी या यू नो समथिंग, एंड द न्यूज़ चैनल्स वर बम्बार्डिंग विद न्यूज़, और मीना ताई जी घर पे अकेली थी, बाला साहेब जी उस वक्त घर पे नहीं थे, बट इतने माहौल में भी जब मेरे अंकल और उनके फ्रेंड मातोश्री में पहुँचे तो मीना ताई ने उनके लिए पूरन पोलिया बनाई और अपने हाथों से परोसा, तो देवर लाइक ओ माई गॉड, यू नो मतलब। एंड शी सेड कि मुझे ये सब पॉलिटिक्स में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि बाला साहेब जी की हेल्थ अच्छी रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छा जोन था जो मुझे, मैंने मतलब एक साइकी अपनाने के लिए कैरेक्टर का जान लिया। नवाज सर, आपको कैसे अप्रोच किया गया इस किरदार के लिए, मतलब कैसे जुड़े आप? मुझे बुलाया था उन्होंने और मैं गया उनके पास, राव साहब के पास, उन्होंने फिर दो मिनट में डिसाइड कर लिया था कि आप कर रहे हैं ठाकरे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रीकी अली के टाइम पे, मतलब फ्रीकी अली शायद उन्होंने देखी थी, जैसे राव साहब बताते हैं मैंने फ्रीकी अली देखी थी, उसमें जो वॉक थी मेरी, उससे वो उसकी वजह से उनके दिमाग में वो वॉक रह गई और उनको लगा कि ये मैं भी शायद मैं भी ठाकरे इनसे करवाएंगे। बाला साहब की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी चीज़ें वो परफेक्शन के साथ करते थे और आप भी अपनी एक्टिंग जो है परफेक्शन के साथ करते, इसके अलावा क्या सिमिलैरिटीज़ है आप दोनों में, अगर कुछ इस बारे में आप बताना चाहें? सिमिलैरिटीज़ तो कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं, आपको अपने अंदर से ढूंढना पड़ता है, अगर नहीं है तो आपको अपने अंदर से ढूंढना पड़ता है वो सिमिलैरिटीज़। जैसे एक ही इंसान के अंदर 1000 इंसान होते हैं तो वो इंसान ढूंढना पड़ता है जो उससे सिमिलर हो, है ना, तो ये तो जर्नी है फाइंड आउट करने की, है ना, डिस्कवर करने की अपने आप से, तो वो हमेशा प्रोसेस में रहना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो आपके थोड़ा सा नियर अबाउट होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो ये प्रोसेस है, ये चलती रहती है हमेशा। ड्यूरिंग प्रिपरेशन उद्धव साहब ने कितनी मदद की आपकी? एक बार मिला था मैं उनसे, राव साहब, उद्धव साहब जो है वो आए थे वहाँ पे,
शूटिंग के दौरान बहुत थोड़े से टाइम के लिए आए, वो दो चार बातें ही हुई थी, इतना ज़्यादा उनसे उस चीज़ को लेके बात नहीं हुई। बट राज साहब से हर रोज़ हर वक्त बात होती थी अबाउट द कैरेक्टर के कैसे थे वो, किस तरह की चीज़ें थी उनके अंदर। क्योंकि आप बाला साहब का किरदार प्ले करें, कितना प्राउड फील करते हैं जब मतलब उनकी स्पीच जब हम सुनते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप कितना प्राउड फील करें? स्पीचेस उनकी कमाल की स्पीचेस होती थी और उनको उनमें ईज लाना, उस स्पीच में ईज लाना, वो इट वाज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। और उसके लिए प्रैक्टिस की हमने काफ़ी, है ना, ताकि वो बाला साहब का जो वो था लाइक जो बोलने का तरीका था वो भी रह जाए और मिमिक्री भी ना हो, कैरिकेचर भी ना हो कैरेक्टर, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया। हम किसी भी फिल्म से कुछ ना कुछ सीखते हैं, या ऑडियंस हो या एक्टर हो, आप लोगों ने क्या क्या सीखा इस फिल्म से? या देखो, मैंने तो मीना ताई जी के ज़रिए ये सीखा है, और मतलब एक पता तो था बट एक अश्योरेंस रीअश्योरेंस जैसा था कि हर महिला जो है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो जॉब कर रही हो या नहीं, यू नो, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो औरतें ही बहुत ग्रेसफुली अपने कंधों पर लेते हैं, और क्योंकि वो लेती हैं बहुत सारी मतलब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है, जो मतलब इनका काम दिखता नहीं है, यू नो, तो घर का कोई सदस्य अगर इतना बड़ा हो, अभी वो जनता का लीडर है और जनता भी अपेक्षा रखती है, ना केवल घर के जो परिवार के लोग हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर के औरत पे आ जाती है। तो उन्होंने जिस मतलब जिस कंफर्ट से और ग्रेस से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया कि बाला साहिब जी को, यू नो, कि आप अपना काम करो एंड आई एम हियर टू हैंडल एवरीथिंग, यू नो, दैट मतलब जो मातोश्री में जो भी है वो माँ साहिब ने हैंडल किया, तो ये एक बहुत सैक्रिफाइजिंग सा स्पेस है, तो मुझे इसके लिए बहुत इज्जत है, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड। जी, क्या सवाल था आपका? हम किसी भी फिल्म कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने हर वक्त हर कदम पे आदमी सीखता है, हर फिल्म से सीखता है ना, तो काफ़ी कुछ सीखा। अब लाइक जैसे बाला साहब की अपनी खासियत थी कि वो बहुत ही फेयरलेस थे, है ना, कभी भी बात में वो नहीं रखते थे कि बाहर क्या है अंदर क्या है, तो इस तरह की चीज़ें। 25 तारीख को सर दो फिल्में रिलीज़ होने वाली है, दोनों ही बड़ी फिल्में हैं, दोनों ही बायोपिक हैं, और दोनों ही पर्सनालिटी लोगों को मतलब लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो सर कुछ क्लैश के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? क्लैश विश क्या यार, एक लगान और गदर भी साथ रिलीज हुई, दोनों चली, तो हम तो चाहते हैं दोनों फिल्में अच्छी चलें। मीना ताई के बारे में जानना चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड से कुछ सीन्स कट हुए हैं, इस तरह की न्यूज़ आ रही है, इसका कुछ अगर ब्रीफिंग आप दे सकें? वेल, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सवाल आप प्रोड्यूसर से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, वो हम एक्टर लोग हैं, हमारे से एक्टिंग के बारे में बात करें तो मज़ा आ जाएगा। नवाज सर, और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी किरदार प्ले करते हैं, वो किरदार दूसरे किरदार से एकदम अलग होता है, तो क्या खास बात देखते हैं किसी भी किरदार को चुनने से पहले? मेरे पास एक पुड़िया रहती है तो मतलब 4-5 तरह की पुड़ियाँ हैं, जब अगर मैं ये रोल कर रहा हूँ तो उसका एक फाँक मारता हूँ तो इस तरह का रहता है। ऑफकोर्स यार, इतना मेहनत करनी पड़ती है, कोई आसान कैरेक्टर नहीं, इट वॉज सो डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, और जिस तरीके से कैरेक्टर होता है उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होती है उसकी, है ना, कि जैसे मैंने बताया भी कि बाला साहब का जब हम रोल कर रहे थे, तो उनके जितने भी रेफरेंस पॉइंट थे, रेफरेंसेस होते थे, वो सब देखे, और प्लस राज साहब से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी या किसी से भी जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो ली, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जब किया जाता, और ये भी ख्याल रखा जाता क्या नहीं करना एक्चुअली, है ना, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा भी अगर गलत ट्रैक पे चले गए तो कैरेक्टर इधर का उधर हो जाता है, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फाइनल क्वेश्चन सर, संभाजी ब्रिगेड ने रिसेंटली कहा कि हम फिल्म को, वो मुझे नहीं मालूम अभी इतना ज़्यादा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पे एक्टर्स का कितना फर्क पड़ता है? भाई, मैं एक्टर हूँ, मुझे जो रोल दिया जाएगा हम लोग करके आ जाते हैं, बाकी ये सवाल जो है मेरा कोई इसमें मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है। थैंक यू। कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों देखनी चाहिए फिल्म लोगों को? पिक्चर देखने चाहिए आपको, मज़ा, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, और हमने एक स्टैंडर्ड पकड़ने की कोशिश की है इस फिल्म के ज़रिए, जो एक बायोपिक का जो एक
स्टैंडर्ड होता है वो अचीव करने की कोशिश की आपको परफॉर्मेंस के दौरान, फिल्म के दौरान ये पता चलेगा जब इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं और एक से एक दिग्गज एक्टर हैं मराठी स्टेज के, हिंदी स्टेज के, बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, अगर आपको परफॉर्मेंसेस देखनी है और अबाउ ऑल मीनाताई ठाकरे का रोल कर रही हैं अमृता सिंह जी, तो अमृता राव जी, तो उनका 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 रोल दीजिए, किस तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, वो काबिल तारीफ है। कह दिया जल्दी आ जाओ। मैं आपसे पूछने लगा कि कितना पढ़ा है आपने, कितना कितनी जानकार हैं आप, अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उतनी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है, तब जाके क्रिटिसाइज करो जी। ये नीचे मन आ गया जी, पेन का वैसे तो आजकल आजकल तो चालू नहीं होता जी, आप मैम राइट वेट नो थैंक यू नाउ वेल आर लेफ्ट राइट में